तो हाय गाइस, स्वागत है आपका फोबी इंजीनियर्स लेक्चर्स में। तो गाइस, आज हम थ्योरी ऑफ मशीन का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैम से रिलेटेड। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो चैप्टर नहीं है, बट हाँ, क्वेश्चंस कभी कभार दो तीन क्वेश्चन पूछ देते हैं इस टॉपिक से। तो मैं सोच रहा, बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। मैं बहुत कम टाइम में आपको कोशिश करूंगा ये चीज़ें अच्छे से समझाने की, ठीक है? तो काफ़ी आसान टॉपिक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है? आई थिंक अब आवाज क्लियर आ रही होगी आपको। तो गाइज, चलिए लेट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं गाइज। लेकिन आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सबसे पहले तो एक लाइक जरूर कर कीजिएगा। लाइक करते हो आप, कमेंट करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं और वीडियो बनाऊँ आपके लिए, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके सामने ला के रखूँ। तो एक कमेंट लाइक तो जरूर बनता है गाइज। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उन्हें भी बताओ कि यहाँ भी ये सब चीजें अवेलेबल है। चलिए शुरू किया जाए। तो गाइज, मैं अपने नोट्स का हेल्प ले रहा हूँ। आप जब मैं इंजीनियरिंग लेवल का चीजें पढ़ाता था, जब मैं एक्चुअली खुद भी मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, उस टाइम पे मैंने टोम के काफी अच्छे नोट्स बनाए थे। उसी के हेल्प से आपको यहाँ समझाएंगे ताकि आपका भी बहुत जल्दी चीजें कंप्लीट हो जाए, ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है नहीं, ठीक है? तो अपन चाहेंगे कम से कम टाइम में चीजें कवर हो जाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इजिली सॉल्व कर पाए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कैम के बारे में। भाई, ये यूनिट फोर्थ था एक्चुअली हमारे टाइम पे। कैम क्या होता है? कैम अ कैम इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच गिव्स रेसिप्रोकेटिंग और ऑक्सीलेटिंग मोशन टू अदर एलिमेंट नोन एज फॉलोअर। अभी रेसिप्रोकेटिंग और ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। रेसिप्रोकेटिंग मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, जब तो सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा। हाँ ठीक है, मतलब ए पॉइंट से बी, ए बी, ए बी, इस तरीके का जो मोशन होता है इट्स कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग। और ऑक्सीलेटिंग क्या होता है? ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये मान लो कोई सिलेंडर है, एक पॉइंट पे ये देखो ये मोशन, इस मोशन को हम कहते हैं ऑक्सीलेटिंग मोशन, ठीक है? तो कैम क्या होता है हमारा? ऑक्सीलेटिंग मोशन एज वेल एज रेसिप्रोकेटिंग मोशन दोनों रहता है, मोशन टू अनदर एलिमेंट नोन एज फॉलोअर। सॉरी, नॉट कैम, कैम तो रोटेट होता है यार, कैम जस्ट रोटेट होगा। कैम क्या होता है? रोटेट करता है। अब कैम के ऊपर जस्ट लगा होता है फॉलोवर, ठीक है? तो कैम जब रोटेट होता है तो फॉलोवर क्या करता है? वो रेसिप्रोकेट मोशन करता है या फिर वो ऑक्सीलेट करता है अपने पॉइंट से, ठीक है? इस पे डिपेंड, तो पूरा का पूरा जो फॉलोवर का जो मोशन है, फॉलोवर का जो मोशन है वो डिपेंड करता है कैम पे। याद रखना, एक क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा, फॉलोवर का मोशन किस पे डिपेंड करता है? कैम पे। और कैम जो है, जो कैम का जो शेप है उस पे डिपेंड करता है। तो ये चीज सबसे पहला यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि कैम का जो मोशन, फॉलोअर का जो मोशन है वो डिपेंड करता है कैम के शेप पे। कैम का जैसा शेप होगा, जैसा बेस सर्कल होगा, जैसा एडेंडम होगा, उसके एक अकॉर्डिंग फॉलोअर का मोशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। कैम के शेप पे डिपेंड करेगा फॉलोअर का मोशन। अ कैम में बी रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग, वेयर एज द फॉलोअर में बी रोटेटिंग रेसिप्रोकेटिंग ऑन और ऑक्सीलेटिंग बोथ। ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखना, ठीक है? नाउ कैम आर, क्या लिखा है भाई? ओके, कैम आर वाइडली यूज्ड इन ऑटोमेटिक मशीन्स इन लाइक इंटरनल कंबसन इंजन, मशीन टूल एक्सेट्रा। गाइस, वो इंजन में अभी तो बहुत सारे न्यू टेक्निक आ गए हैं, बहुत सारे नए रोबोटिक्स वाले टेक्निक्स आ गए हैं, फिर भी अभी भी यूज किया जाता है। अपने ट्रेन का इंजन लीजिए, जो डीजल इंजन होती है ट्रेन की, जो डीजल इंजन होती है उसमें भी ये, मैंने खूब एक्चुअली मैंने वहां से ट्रेनिंग किया था। इतने बड़े बड़े समझ लिए कैम होते हैं, इतने बड़े बड़े कैम और उसमें कितने बड़े फॉलोअर लगे होते हैं, क्लियर है? मैंने वहां से ये सब चीजें देखी थी। तो कैम अभी भी जो डीजल इंजन वगैरह हो गया है, फिर अब गाँव में जो मशीन नहीं होता है वो पानी लेकर खेतों में डालने वाला मशीन, वहां पे भी बहुत अच्छी तरीके से आपको कैम का एग्जाम्पल उस मशीन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो कैम क्या करता है? जनरली फ्लूइड जो इंजन में, फ्यूल अंदर आना, उसके पास एग्जॉस्ट गैस को बाहर जाना, तो कब उसको खुलना है, जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व है कब खुलना है, कब बंद होना है, वो डिपेंड करता है कैम के रोटेशन पे। कैम के रोटेशन पे भी नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है कैम के शेप पे। कैम का शेप अगर हमने मान लीजिए थोड़ा सा अजीब सा रखा, तो उससे क्या होगा, वो टाइमिंग डिसाइड करता है कैम का। आपको मैं आगे फोटो दिखाऊंगा,
कैम इस शेप का होने की वजह से क्या होता है कि शुरू में वो क्या होगा बंद रहेगा, और फिर जब उसका जो टॉप पॉइंट है कैम का जो एंड पॉइंट है जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है जैसे वो आएगा तो फॉलोअर तुरंत ऊपर की ओर मूव करेगा और उस टाइम पे ही हमारा एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व खुलता है। क्योंकि हम जनरली टाइमिंग तो वैसे उस टाइम पे कर नहीं सकते थे, तो टाइमिंग को मैनेज करने के लिए हम यही सबसे अच्छा चीज ढूंढे थे, कैम का शेप। कैम के शेप पे डिपेंड करता है कब वो ओपन होगा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व कब क्लोज होगा। ठीक है, आगे हम बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर फिगर में दिखाएंगे। कैम्स आर यूजली रोटेट एट यूनिफॉर्म स्पीड बाय अ शाफ्ट। ओके, शाफ्ट की शाफ्ट जो कैम शाफ्ट होता है ना, कैम शाफ्ट जो कनेक्ट होता है अपने इंजन के फ्लाई व्हील के जस्ट पीछे से, तो वो चलता है, तो उसी से कैम भी चलता है, कैम शाफ्ट भी चलता है। कैम शाफ्ट में कैम्स लगे होते हैं, क्लियर, सर्कुलर सर्कुलर कैम लगे होते हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है शाफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट हो रहा है तो कैम भी यूनिफॉर्म से ही रोटेट होगा, बट द फॉलोवर मोशन इज प्रीडिटरमाइंड एंड विल बी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कैम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कैम तो यूनिफॉर्मली ही रोटेट होगा, बट कैम के शेप के अकॉर्डिंग फॉलोअर मोशन करता है। ओके, नाउ आगे देखिए, द कैम आर वाइडली यूज फॉर ऑपरेटिंग द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ इंटरनल कंबसन इंजन। ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ। दे आर यूजली मैन्युफैक्चर बाई डाई कास्टिंग, मिलिंग और बाई पंच प्रोसेस। तो आप ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रख लेना, कैम कैसे बनाया जाता है, डाई कास्टिंग से पहले कास्टिंग, फिर मिलिंग और पंचिंग वगैरह कर मशीनिंग हम करते हैं उसके ऊपर। अ कैम एंड फॉलोअर कॉम्बिनेशन बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ हायर पेयर। जाहिर सी बात है कैम एंड फॉलोअर के बीच में, ये कैम हुआ ये फॉलोअर के बीच में पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है, ये हायर पेयर में ही आता है हमारा। क्लासिफिकेशन ऑफ कैम में दो टाइप के कैम हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक होता है रेडियल कैम, एक होगा सिलेंड्रिकल कैम। तो रेडियल कैम क्या है भाई, रेडियल कैम और डिस्क कैम, देखो ये हमारा ये होता है कैम शाफ्ट। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कैम शाफ्ट होता है जो बाकी नीचे क्रैंक शाफ्ट से जाके कनेक्ट होता है, कैम शाफ्ट रहता है। कैम शाफ्ट पे यहाँ कोने में गियर्स बने होते हैं और जो टाइमिंग चेन होता है ना जो कि हमारा क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, जब वो चलता है तो ये चलने से ये हमारा कैम शाफ्ट चलता है, ये हमारा कैम शाफ्ट। इस कैम शाफ्ट में ही हमारे लगे होते हैं कैम। कैम का शेप देख रहे हो, थोड़ा ओवल शेप, एकदम सर्कुलर शेप नहीं होता है, कैम का शेप थोड़ा सा इस तरीके का होता है, ओवल शेप का, देख रहे हो जैसा शेप यहाँ पे दिख रहा है। और इसी पे ये लगा हुआ है क्या, एक फॉलोअर, ये क्या है फॉलोअर, और फॉलोअर अगर इस तरीके से आगे से शार्प हो तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइफ एज फॉलोअर, क्योंकि नाइफ की तरह शार्प है ना आगे से। फॉलोअर भी बहुत टाइप तरीके के होते हैं, रोलर फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर, ठीक है, फ्लैट फॉलोअर, आगे हम फॉलोअर भी देखेंगे। तो नाइफ एज फॉलोअर यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये कैम दिख रहा है। तो रेडियल कैम और डिस्क कैम क्यों बोला जा रहा है, इन रेडियल कैम द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ऑक्सीलेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस। ओके, कैम एक्सिस जो इसका देखो, ये कैम का एक्सिस है और ये हमारा क्या लगा है फॉलोअर, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो हमारा रेडियल कैम इस तरीके का होता है। ठीक है, जहां पे कैम और फॉलोअर के बीच में जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होगा, कैम का एक्सिस और फॉलोअर का एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीजों को ही सिर्फ ओके। तो नाउ टर्म यूज इन रेडियल कैम, रेडियल कैम की टर्मिनोलॉजी जैसे गियर टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे ना, वैसे ही हमारा इसके भी है। तो यहाँ पे बहुत डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये फॉलोअर है ऊपर और नीचे एक कैम है, कैम के बहुत सारे सर्कल्स है, कैम के शेप, कैम बनाने से पहले ये सब सर्कल का भी ध्यान रखते हैं। इसमें हमारा है प्राइम सर्कल, पिच सर्कल, ये सब पिच कर्व, पिच पॉइंट, ये सब चीजें हैं। इसको ऐसे देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम वन बाई वन आपको ऐसे दिखा रहे। देखिए ये बेस सर्कल है, थोड़ा सा फिगर ब्लर है, ओके, थोड़ा सा फिगर ये ब्लर है बट आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो बेस सर्कल जो होता है कैम की कैम बनाने के लिए, कैम का जो शेप है पूरा पूरा डिपेंड करता है बेस सर्कल पे, पहली चीज याद रखना। ठीक है, तो कैम का जो बेस सर्कल क्या है, ये एक इमेजिनरी सर्कल है जो कैम के आउटर पाथ पे बना रहता है। ठीक है, ये कैम का सेंटर और ये बेस सर्कल और ये लगा है फॉलोअर। ओके, ट्रेस पॉइंट क्या होता, फॉलोअर और इस का जो मेन, ये नाइफ एज का कैम और फॉलोअर के बीच कॉन्टेक्ट का मेन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, इसको हम बोलेंगे ट्रेस पॉइंट। और इसमें क्या है, रोलर लगा हुआ है और फॉलोअर के रोलर के बीच में ये जो मेन पॉइंट है ये हमारा ट्रेस पॉइंट। वैसे ही पिच कर्व, पिच कर्व क्या होता, हमारा फॉलोअर के सेंटर से बनता है, तो ये नाइफ एज है तो ये हो गया, तो इससे हमारा बन गया पिच कर्व। वैसे ये फॉलोअर है, फॉलोअर का ये क्या लगा है सर्कल, रोलर, रोलर का जो सेंटर है इससे हमारा बनता है पिच कर्व।
ओके नाउ प्रेशर एंगल क्या होता है, प्रेशर एंगल जो कैम का एक्सिस है, कैम का एक्सिस और फॉलोअर के एक्सिस के बीच का एंगल को हम लोग कहते हैं प्रेशर एंगल। पिच पॉइंट क्या होता है, पिच पॉइंट होता है मैक्सिमम प्रेशर एंगल, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर एंगल ऑन अ पिच कर्व। जो हमारा ये पिच कर्व है, इस पिच कर्व पे जहां पे मैक्सिमम प्रेशर एंगल बनता है उस पॉइंट को, ये जैसे ये पिच कर्व हो गया, इस पिच कर्व पे जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम प्रेशर एंगल है, दैट पॉइंट इसको बोलते हैं पिच पॉइंट। पिच सर्कल क्या होता है, कैम के सेंटर, कैम का जो सेंटर है और जो हमारा मैक्सिमम प्रेशर एंगल पिच पॉइंट है उससे यहां से यहां तक कंपास रखकर ऐसे सर्कल कर दो, उसको बोलते हैं पिच सर्कल। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा और भी चीजें हैं, स्ट्रोक क्या होता कि ऐसे लिफ्ट एंड स्ट्रोक क्या होता, इट इज द मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम इट्स लोएस्ट पोजीशन टू द टॉप मोस्ट पोजीशन। लोएस्ट पोजीशन से टॉप कितना ऊपर चला जा रहा है ये, जब ये पीक पॉइंट जब ये ऊपर जाएगा कैम का, तो ये कितना ट्रेवल ऊपर की ओर या नीचे की ओर ट्रेवल करेगा, इसी को हम लोग लिफ्ट या स्ट्रोक कहते हैं, मैक्सिमम फ्लो ऑफ फॉलोअर मोशन। ओके, बेस सर्कल ऊपर बताया, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रोन टू द कैम प्रोफाइल। ठीक है, बेस सर्कल जो मैं आपको बताया था, दिस इज बेस सर्कल, स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रोन ऑन द कैम प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रेस पॉइंट देखा। ट्रेस पॉइंट क्या होता है, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट द पिच कर्व। पिच कर्व बनाने के लिए हम ट्रेस पॉइंट का हेल्प लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो कैसे लेते हैं, कहाँ है भाई, ये हमारा ट्रेस पॉइंट रोलर का यहाँ, नाइफ का यहाँ, पिच कर्व इसी के हेल्प से, देखो इसी पॉइंट के हेल्प से पिच कर्व बनता है, इसी पॉइंट के हेल्प से पिच कर्व बनता है। ठीक है, प्रेशर एंगल क्या होता है भाई, इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन एंड द नॉर्मल ऑफ द पिच कर्व। पिच कर्व का नॉर्मल, ठीक है, प्रेशर एंगल बनता है। पिच पॉइंट क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑन द पिच कर्व, पिच कर्व पे एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैक्सिमम प्रेशर एंगल हो, वहीं से जो सर्कल बनता है कैम के सेंटर, इट इज अ सर्कल ड्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैम थ्रू द पिच पॉइंट इज नोन एज पिच सर्कल। ठीक है, बस यही सब है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट। अब मोशन ऑफ फॉलोअर, फॉलोअर का जो मोशन किस तरीके का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोअर का मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन मोशन भी होगा और साइक्लॉइडल मोशन भी होता है। तो ये चारों के चारों मोशन हमारा फॉलोअर करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फॉलोअर का मोशन कैसा होता है, उसमें ये सब ऑप्शन होंगे तो आप सबको टिक कर देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी देख रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाकी सब जो है ना गाइस वो सब न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, आपके ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं, ये ड्राइंग वगैरह जो है पेन पेंसिल की हेल्प करते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। यही सब बस था गाइस, इतना इंपॉर्टेंट, आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लगाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बस इतना ही पढ़ना था, इससे ज्यादा कुछ है नहीं कैम एंड फॉलोअर में, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, स्केल एंड पेंसिल से रिलेटेड है, ड्रॉइंग से रिलेटेड है ना, तो इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस इतना ही आपको कैम में आपको जनरली जानना था। ठीक है, चलिए लेट नहीं करते हैं, जल्दी से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन इस पे अभी तक आए हुए हैं वो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये है कुछ क्वेश्चन कैम डिजाइन पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी बहुत कम क्वेश्चन है, इसको खत्म करके नेक्स्ट फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है और एक बार में आंसर आना चाहिए आपका, कैम साइज डिपेंड्स अपॉन बेस सर्कल, प्राइम सर्कल, पिच सर्कल, आउटर सर्कल, ऑप्शन ए बेस सर्कल। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर हाई स्पीड इंजन द कैम फॉलोअर शुड मूव विथ, हाई स्पीड इंजन के लिए कैम फॉलोअर शुड मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, साइक्लॉइडल, सिंपल हार्मोनिक मोशन या यूनिफॉर्म, ये मैंने चीजें आपको नहीं बताई। हाँ, तो हाई स्पीड इंजन में जनरली हम साइक्लॉइडल मोशन का यूज करते हैं, थोड़ा सा साइक्लॉइड बनता है ना, साइक्लॉइडल टाइप का मोशन, वो ज्यादा सक्सेस होता है, स्लिप वगैरह फ्रिक्शन कम होती है, तो साइक्लॉइडल मोशन का हम यूज करते हैं, इस तरीके से कैम की डिजाइन करते हैं ताकि वो साइक्लॉइडल मोशन करे, हाई स्पीड इंजन वगैरह में हम इसका यूज करते हैं, याद रखना ये चीज। ठीक है, नाउ थ्रो ऑफ कैम इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ फॉलोअर फ्रॉम कैम का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम फॉलोअर फ्रॉम बेस सर्कल के सेंटर से ही तो मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन द साइज ऑफ कैम, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बेस सर्कल, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं गाइस, ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते नहीं है। वॉट ऑफसेट इज प्रोवाइड फॉर कैम फॉलोअर मैकेनिज्म,
टू अवॉइड जॉर ऑफसेट जो होता है, क्यों वो ऑफसेट प्रोवाइड करते हैं? जनरली आप देखोगे हर कैम में हम थोड़ा बहुत ऑफसेट प्रोवाइड करते हैं, कैम और फॉलोअर के बीच में, एक्सिस के बीच में थोड़ा सा ऑफसेट हम प्रोवाइड करते हैं। रीजन क्या होता है, यहाँ ऑप्शन है जर्क अवॉइड करने के लिए, एक्सेलरेट और एक्सेलरेट करने के लिए, या डी कम करने के लिए, डी एक्सेलरेट के लिए करने के लिए, टू मिनिमाइज साइड थ्रस्ट। यस, साइड थ्रस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम थोड़ा सा ऑफसेट रखते हैं अपने कैम और फॉलोअर के बीच में, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन डी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द मोशन ऑफ फॉलोअर, फॉलोअर का मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, या ऑल द ऑप्शन, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट, बताया था ना। बस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉलोअर हैज द हाइएस्ट वियर रेट, कौन से फॉलोअर में सबसे ज्यादा हाइएस्ट वियर रेट होता है? नाइफ एज रोलर सबसे अच्छा, नाइफ एज फॉलोअर थोड़ा सा ऐसा होता है, नाइफ एज फॉलोअर। ओके, What does the term jump signify in cam and follower? Cam and follower में जो jump होता है, कभी कभी क्या होता है गाइस, जब cam rotate होता है ना, तो follower थोड़ा थोड़ा jump होता रहता है। क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब follower loses contact with cam surface when cam rotate beyond a particular speed due to inertial force. तो जो mass movement of inertia होता है cam का खुद का, तो कभी कभी उसकी वजह से भी हमारा cam बहुत ज्यादा तेजी से कभी कभी ऐसा होता है रोटेट होने लगता है, तो फिर हमारे फॉलोअर और कैम के बीच में स्लिप होने लगता है। स्लिप होने के कारण कैम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से जंप होने लगता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये रीजन था, तो बस ऐसे ही टाइप का आसान क्वेश्चन बनता है। जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई नहीं, इसके अलावा भी और चीजें, वो चीज़, सब चीजें भी आप देख लो, बस विश्वास मानो इससे ज्यादा हटकर और कैम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जितना मैंने आपको बताया इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना कैम में आप पढ़ लो, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस कैम से रिलेटेड नहीं पूछे जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा गियर्स, ठीक है, गियर्स पे हम बात करेंगे, और इस तरीके से जल्दी जल्दी अब तुमको खत्म करते हुए फिर हम अपने दूसरे सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते हैं। कंटेंट पसंद आ रहा है गाइस तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।